लिंक भेज दीजिए। बड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या बात है। हो गया शुरू। चलिए तो सभी को एमसीक्यू सीरीज में स्वागत है। सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। 15 क्वेश्चन, किसने कितना किया, सब लोग आंसर देना और अपना स्कोर गिन के लास्ट में बताना किसका कितना स्कोर आया, काउंट करके बताना। लगातार नया टारगेट है 1000 बिहार स्पेशल प्रश्न आपको मैं करा दूंगा पीटी से पहले तक। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा और सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन को एक लड़का 20 लड़के को शेयर करेगा, अपने सारे ग्रुप में सारे चैनल पर इस सेशन को शेयर कर दीजिए लिंक को और लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं जो सेशन को करा रहा हूं वो बेहतर करा रहा हूं। तो चलो भैया सेशन के साथ जुड़ जाओ और अपना अपना स्कोर बताओ कितना हुआ। बिहार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिलहन कौन सा है, बिहार की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन नाम बताओ। ऑप्शन ए राई और सरसों, ऑप्शन बी सरसों तिल, ऑप्शन सी सभी या इनमें से कोई नहीं। जल्दी उत्तर दो, बिहार में कौन सा, जल्दी से उत्तर दो भैया। सभी लोग उत्तर दो, सी उत्तर दे रहे हैं सभी लोग। सबको लगता है कि इनमें से सभी होगा, देख लेता हूं क्या सही उत्तर है। इसका सही उत्तर होगा ए। भैया देखो तिल जो है वो बिहार में होता है लेकिन मेन नहीं है। क्या पूछ रहा है, महत्वपूर्ण तिलहन, इसलिए आंसर होगा राई और सरसों, काला वाला और पीला वाला। काला वाला को राई, अब पीला वाला को सरसों। आज ना जीरा से दाल छोकते हैं, पहले राई से छोकाता था। तो भैया राई और सरसों नोट कर लो, बिहार का महत्वपूर्ण तिलहन है। और आपका गलत नहीं है, तिल भी होता है पर कम होता है, उतना नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं भैया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जल्दी उत्तर दो, बिहार में सर्वाधिक कौन से वन, किस प्रकार का फॉरेस्ट, बिहार में सबसे ज्यादा किस टाइप का फॉरेस्ट मिलता है। ऑप्शन दे रहा है एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, पहाड़ी वन, पतझड़ वाले वन या तराई वन। जल्दी से उत्तर दो, बिहार में कौन सा वन मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है या माउंटेन फॉरेस्ट मिलता है या फिर डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है या फिर तराई फॉरेस्ट मिलता है। बिहार में किस प्रकार के वन मिलते हैं, सभी लोग अपना उत्तर प्लेस करो और अंतिम में काउंट करके अपना स्कोर भी बताना कितना हुआ। इसका सही उत्तर होगा पतझड़ वाले वन। बिहार में देख लो भैया, वैसे भी होता जहां पर बरसात बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा वर्षा हो, वहां सदाबहार वन मिलते हैं। सदाबहार वन वही मिलेंगे
जहाँ पूरे साल वर्षा, पूरे साल गर्मी, लेकिन बिहार में पूरे साल वर्षा होती है क्या? नहीं। पूरे साल गर्मी पड़ता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर कौन सा वन मिलेगा? पतझड़ वाले वन। और बिहार में सबसे ज्यादा वन कैमूर में, सबसे ज्यादा वन कैमूर में, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पश्चिमी चंपारण। नोट कर लीजिए, बिहार में सबसे ज्यादा वन कैमूर में, उसके बाद पश्चिमी चंपारण में। और एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। नोट कर लीजिएगा, जिसे हम लोग बेतिया के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे ज्यादा बिहार में वन पतझड़ वाले वन। गलती नहीं होना चाहिए, सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। देखो भाई, खौर बिहार की एक जनजाति है, खौर जनजाति। हालांकि जनजाति केवल बिहार की नहीं है, ये जनजाति केवल बिहार की नहीं है मेरे भाई, ये जनजाति बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है। ये जनजाति बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में भी है ये जनजाति, और ये बिहार में भी है। पूछ रहे कि इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी मजदूरी, ऑप्शन सी नौकरी, इनमें से कोई नहीं। भाई जनजाति है तो अगर तुम गेस करोगे तो नौकरी तो होगा नहीं, नौकरी तो ऐसे ही चला गया। अब बात है दो, कृषि या मजदूरी, यानी खौर जनजाति का बिहार में, बिहार में खौर जनजाति क्या करती है भैया? तो इसका सही उत्तर होगा ए कृषि। सही उत्तर क्या होगा? कृषि। फटाफट आपको मिलेंगे 2 सेकंड, जल्दी से उत्तर क्वेश्चन पढ़ के दे दो, कृषि होगा इसका सही उत्तर। और अंतिम में स्कोर बताना और क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट में बताना, और अच्छा लगेगा तो लाइक बटन, बगल में लाइक बटन है दबा दिया करना, लाइक बटन कर दो भैया जल्दी से, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जो करा रहा हूँ कितना बेस्ट है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। बिहार में सबसे कम अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में मिलता है? बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब, मतलब आदिवासी। बिहार में सबसे कम आदिवासी किस जिले में? ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी शेखपुरा, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी खगड़िया। जल्दी बताओ बिहार के किस जिले में सबसे कम आदिवासी, बिहार के किस जिले में सबसे कम आदिवासी? सबका उत्तर मैं देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी प्लेस करो। सबसे कम आदिवासी किस जिले में मेरे भाई, किस जिले में सबसे कम आदिवासी? तो शिवहर। नोट कर लीजिए, शिवहर सबसे कम आदिवासी। और सबसे ज्यादा आदिवासी, सबसे ज्यादा आदिवासी नोट कर लो पश्चिमी चंपारण, सबसे ज्यादा आदिवासी पश्चिमी चंपारण में, सबसे ज्यादा आदिवासी पश्चिमी चंपारण में, सबसे कम शिवहर में। नोट कर लीजिए जल्दी से, आगे आते हैं। अगला प्रश्न जल्दी से देखा जाए, बिहार में ऊन से बनाया जाने वाला कालीन कहाँ बनता है? बिहार में ऊनी यानी बुलेन, ऊन से बना हुआ कालीन कहाँ बनता है भाई? दरभंगा, दाऊदनगर, मुंगेर या मोतिहारी। दरभंगा जिला है, दाऊदनगर जिला नहीं है, दाऊदनगर औरंगाबाद का एक शहर है, औरंगाबाद जिले में दाऊदनगर है, मुंगेर और मोतिहारी। जल्दी बताइए बिहार के किस जिले में, गेस करो, ऊन से बना हुआ कालीन, ऊन से बना हुआ कालीन। आंसर होगा दाऊदनगर, दाऊदनगर में ऊन से बना हुआ कालीन। औरंगाबाद जिला किस में पड़ता है? दाऊदनगर, औरंगाबाद में, औरंगाबाद के दाऊदनगर में ऊन से बना हुआ कालीन। अगला प्रश्न का जल्दी उत्तर दीजिए, भारत बैगन और इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ स्थित है? भारत बैगन और इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ स्थित है? मोकामा, हाजीपुर, भभुआ या बेलगाम, बेलागंज। मोकामा पटना जिला में, हाजीपुर वैशाली में, भभुआ कैमूर में, और बेलागंज गया में। बेलागंज चाकंद सब गया में पड़ता है। तो आप पटना गया लाइन पे जाओगे ना, पीजी लाइन, उसमें बेलागंज मिलेगा। तो भारत बैगन इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ स्थित है? जल्दी उत्तर दो, मोकामा में, हाजीपुर में, भभुआ में या बेलागंज, कहाँ है भैया? ये तो सब लोग उत्तर दे रहे हैं, सही उत्तर दे रहे हैं भाई सबका, इसमें सही उत्तर है मोकामा। बिहार के मोकामा में भारत बैगन। और याद रखो, जो प्रश्न हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये तुम्हारे लिए रामबाण, मील का पत्थर साबित होगा। बीपीएससी में 1000
टॉप क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, रट लेना, याद कर लेना, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, सीधे सीधे लड़ेंगे। भैया इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, मिशन 50 आईएएस एक चैनल हुआ, दूसरा मिशन आईएएस, तीसरा चैनल है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस। इन तीनों चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आप रिवीजन करते रहें। तो सही उत्तर हो गया मोकामा, बाढ़ मोकामा, नाम सुना होगा आपने, जहां टाल मिलता है। नेक्स्ट आओ, बिहार में बिहार शरीफ मार्ग पर वनस्पति घी उद्योग का कारखाना कब लगाया गया था? बिहार में बिहार शरीफ के मार्ग पर, पटना से बिहार शरीफ जाने वाले रास्ते में लगाया गया था वनस्पति घी बनाने का उद्योग। कहां लगाया गया, कब लगाया गया था मेरे भाई? वनस्पति घी लगाने का उद्योग कब लगाया गया था, जल्दी बता दो, कब लगाया गया वनस्पति घी लगाने का, वनस्पति घी उद्योग कब लगाया गया बिहार शरीफ मार्ग पर? वनस्पति घी का उद्योग कब लगाया गया? इसका सही उत्तर होगा 1974। इसका सही उत्तर क्या होगा जी? 1974 में वनस्पति घी का कारखाना बिहार शरीफ मार्ग पर लगाया गया था, 1974 में, नोट कर लीजिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि के लिए ट्यूबवेल का सबसे ज्यादा प्रयोग किस जिले में किया जाता है? बिहार में कृषि के लिए सबसे ज्यादा ट्यूबवेल का प्रयोग कहां किया जाता है? रोहतास, मुंगेर, पटना या मुजफ्फरपुर? बोरिंग, ट्यूबवेल का मतलब बोरिंग, बिहार में बोरिंग का प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा कहां? रोहतास, मुंगेर, पटना या मुजफ्फरपुर? जल्दी से उत्तर दे दो मेरे भाई। इसका सही उत्तर होगा रोहतास, सबसे ज्यादा प्रयोग कहां करते हैं? रोहतास में, रोहतास में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, और बिहार का सबसे पढ़ा लिखा जिला रोहतास, बिहार का सबसे साक्षर जिला, सबसे अधिक साक्षर जिला रोहतास। बिहार में कौन सा धर्म है जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? जैन। बिहार का कौन सा धर्म सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? तो जैनी। और बिहार का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला रोहतास, और ट्यूबवेल से सिंचाई करने वाला बिहार का जिला तो भैया रोहतास। 2000 में, सन 2000 में कृषि बीमा स्कीम शुरू की गई थी, कृषि बीमा स्कीम 2000 में शुरू की गई, ये इंपॉर्टेंट है, कब शुरू की गई ये पूछा जा सकता है। कृषि बीमा स्कीम की शुरुआत बिहार में कब की गई? 2000 में। तो क्वेश्चन है कि किसके लिए शुरू किया गया, कौन से फसल के लिए, कौन से फसल के लिए? धान और मक्का, गेहूं और जौ, जूट और चना, या इनमें से सभी? सबके लिए, किसके लिए शुरू किया गया, किसके लिए शुरू किया गया बिहार में? रूबी कुमारी, मिशन आईएएस बीपीएससी, निशांत, भारती, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इंद्रजीत कुमार, मैं भी पढ़ूंगा, चलिए सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं सभी को उत्तर देना है। धान और मक्का किसके लिए शुरू किया गया? धान और मक्का। 2000 में कृषि बीमा स्कीम कब शुरू किया गया? 2000 में। किसके लिए? धान और मकई के लिए, धान और मक्का के लिए। जल्दी से जुड़ जाओ, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, लाइक कर दो सेशन अच्छा लग रहा है तो, और शेयर कर दो कम से कम 10-20 लोगों को, ताकि इसका फायदा अधिक से अधिक लोगों को मिले। बिहार के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है? बिहार में किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ, सबसे बड़ा साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है, साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड, नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है जी? ज्ञानपीठ। ये बिहार में हिंदी भाषा के लिए किसे मिला? जल्दी उत्तर दो सभी लोग, जल्दी उत्तर दो, किसे मिला? ये मिला रामधारी सिंह दिनकर को, 1972 में मिला। किसके लिए? इनकी एक किताब है उर्वशी, इनकी किताब किसके लिए, नोट कर लो, इनकी पुस्तक उर्वशी के लिए, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, इन्हीं का लाइन है, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। रामधारी सिंह दिनकर। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो बीसहीन दंतहीन विनित सरल हो। किसका लिखा हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र, इनके किताब का नाम है कुरुक्षेत्र।
संस्कृति के चार अध्याय, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये सब किसकी किताब है? रामधारी सिंह दिनकर। इनको उर्वशी के लिए क्या मिला? 1972 में ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला। और आपको बता दे कि फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी किताब का नाम क्या है जी? इनकी किताब का नाम है मैला आंचल। अभी हाल में करंट में मैंने पढ़ाया था कि इनकी किताब को जापान के विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु ये भी बिहार से हैं। इनका जो किताब है मैला आंचल, इसको जापानी भाषा में ट्रांसलेशन करके मैला आंचल को अब जापान भी पढ़ाएगा। ये भी करंट अफेयर में नोट कर लीजिएगा। और शिवपूजन सहाय, देहाती दुनिया, शिवपूजन सहाय की सबसे प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है जी? देहाती दुनिया। और नागार्जुन, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। उसके बाद हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद दुखारण मास्टर, ये सब किनकी की रचना है? नागार्जुन की। देखो धसी धसी ये आंखें, पिचके पिचके गाल, कौन कहेगा आजादी के बीते 75 साल। ये किसकी रचना है? नागार्जुन की। आधुनिक कबीर कहते हैं नागार्जुन को, आधुनिक कबीर कहते हैं। बिहार, चलो अगला क्वेश्चन। बिहार राज्य फुटबॉल संघ की स्थापना कब की गई? बिहार राज्य फुटबॉल संघ की स्थापना कब की गई, जल्दी बताओ? बिहार राज्य फुटबॉल संघ की स्थापना कब की गई, जल्दी बताइए? 1986। कब किया गया? 1986। बिहार राज्य फुटबॉल संघ की स्थापना 1986। नोट कर लीजिए, जल्दी से सब लोग अपना उत्तर देना और अंतिम में जोड़ के बताना कितना हुआ, किसका कितना स्कोर आता है। 1986 में बिहार फुटबॉल संघ की स्थापना की गई थी। आगे आते हैं, नेक्स्ट। अगला है भैया, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार के मगध साम्राज्य की राजधानी थी? बिहार के मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? नालंदा, गया, राजगीर या फिर वैशाली? बिहार की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? जल्दी सभी लोग उत्तर दो, देखता हूँ किसका कितना स्कोर आता है। जल्दी से उत्तर दो, नालंदा, गया, राजगीर या वैशाली? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा राजगीर। बिहार की प्राचीनतम राजधानी राजगीर, बाद में बन गया पाटलिपुत्र, बाद में बन गया पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? उदयन, उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी अजात शत्रु का पुत्र, अजात शत्रु का बेटा उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया बाद में। पहले राजधानी कहाँ थी? राजगीर। और राजगीर का दूसरा नाम है गिरिब्रज। राजगीर का दूसरा नाम है मेरे भाई गिरिब्रज, नोट कर लीजिए। राजगीर को गिरिब्रज के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन राजधानी बिंबिसार और अजात शत्रु की राजधानी राजगीर, बाद में उदयन ने कहा बना दिया? पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, ये उत्तर दीजिए जल्दी से। मौर्य काल के इतिहास में प्राप्त हुए मुख्य साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए भैया? राजगीर, पटना, कुम्हरार, ये भी पटने में है, कुम्हरार या गया? जल्दी बताओ, मौर्य काल का सबसे ज्यादा साक्ष्य कहां से मिला है? मौर्य काल में सबसे ज्यादा साक्ष्य कहां से मिला है भाई? राजगीर, पटना, कुम्हरार या गया? सभी लोग आंसर करो, सभी लोग जल्दी 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 से जुड़ जाओ और जल्दी से आंसर करो भैया, इसका सही उत्तर क्या होगा? जरा देख लेते हैं हम भी, इसका सही उत्तर होगा कुम्हरार। बिहार के कुम्हरार, मौर्य काल में जो राजधानी थी वो कहां था? कुम्हरार में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बिल्डिंग था वो कहां था? कुम्हरार में, पटना के कुम्हरार में। और सुन लीजिए, पटना के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी, क्वेश्चन आ जाए, पटना के विषय में सबसे अधिक जानकारी किससे मिलती है? सबसे अधिक जानकारी पटना के विषय में सबसे अधिक जानकारी मिलती है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की इंडिका, एक किताब है इंडिका। पूछा जाए पटना के बारे में किस बुक से जानकारी मिलती है भैया, तो क्या बोलोगे? इंडिका। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज, जो केवल पटना आया और पटने से वापस चला गया। तो पटना के बारे में विशेष जानकारी किससे मिलती है? तो आंसर होगा इंडिका। इसने कहा था कि पटना के प्रशासन, पटना का जो प्रशासन है
वो छह अलग अलग डिपार्टमेंट से चलता है। अब प्रत्येक डिपार्टमेंट में कितने लोग थे? 5 लोग। टोटल 30 लोग पटना के प्रशासन को चलाते हैं। ये किसने कहा था? मेगास ने। किसने कहा था कि पटना में टोटल 7 जाति के लोग रहते हैं, 7 कास्ट, 7 जाति, 7 कास्ट के लोग रहते हैं। ये किसने कहा था? मेगास्थनीज। और यहाँ 6 अलग अलग डिपार्टमेंट पटना को चलाते हैं। हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग होते हैं? 5 लोग। इस बात को बताने वाला मेगास्थनीज था। तो कुम्हरार में मौर्य काल का राज प्रसाद था। नेक्स्ट आओ भैया आगे, अगला प्रश्न जल्दी से पढ़ो और उत्तर दो, देखते हैं कौन कितना स्कोर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी संगति, बौद्ध धर्म की 4 संगति, उनमें से कौन सी संगति बिहार में नहीं हुआ था? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? कौन सी संगति बिहार में नहीं हुआ था? 4 संगति, बौद्ध धर्म की 4 संगति। पहली संगति अजात शत्रु के समय, दूसरी संगति काला शोक के समय, तीसरी संगति अशोक के समय और चौथी संगति कनिष्क के समय। जल्दी बताओ 4 संगति में कौन संगति थी जो क्या थी भैया, जो क्या थी बिहार में नहीं हुई थी? साफ साफ उत्तर है चौथी। ये हुआ था कश्मीर में, नोट कर लो मेरे भाई, ये कश्मीर में ये हुआ था, वैशाली नहीं, पाटलिपुत्र। कहां हुआ भैया? पाटलिपुत्र में, ठीक है, ये हुआ था वैशाली में, ये हुआ था वैशाली में और ये हुआ था राजगृह में। नोट कर लीजिए सबको, सबको नोट कर लो। राजगृह पहला, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। पहले में राजा कौन था? अजात शत्रु। दूसरे में काला शोक, राजा का नाम काला शोक। तीसरे में राजा का नाम अशोक और चौथे में राजा का नाम कनिष्क। नोट कर लो मेरे भाई, नोट कर लो, इससे बाहर एक भी प्रश्न जाने का नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इस सेशन का अंतिम प्रश्न, जल्दी से उत्तर दो और स्कोर गिनकर बताओ किसका कितना आया। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए कानून बनाया गया था, बिहार में गो हत्या रोकने के लिए एक सभा बनाई गई थी, गो रक्षिणी सभा। बिहार में गाय हत्या रोकने के लिए क्या बनी थी? गो रक्षिणी सभा। कब बनी? 1819, 1821, 1922 या 1822? बिहार में गाय हत्या को रोकने के लिए गोरक्षिणी सभा कब बनी? जल्दी उत्तर दो, 1819, 21 या 1922 या 1822? जल्दी उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर होगा 1822। बिहार में गोरक्षिणी सभा 1822। 1822 में बिहार में गोरक्षिणी सभा बना। चलो बताओ किसका कितना स्कोर हुआ, जल्दी से काउंट करके बताओ किसका कितना स्कोर हुआ। कैसा लगा सेशन, कैसा लगा सेशन, एक बार कमेंट करके बता दो, लाइक कर दो। सेशन अच्छा लगा हो तो बगल में लाइक का बटन है, लाइक बटन दबा दो जल्दी से और कमेंट करके बताओ कैसा लगा और स्कोर बता दो किसका कितना स्कोर रहा, किसका कितना। कुणाल कृष्णा जी 15 में 12, 15 में 12। भूषण जी, राजू, पूजा, सब लोग अपना स्कोर जल्दी बताओ। चलो ठीक है, तो भैया अच्छा लगा सेशन, ऐसे ही सेशन और कंटिन्यू करते रहें। यदि आप चाहते हैं तो सेशन को लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभकामनाएं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।